सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड आज का वीडियो में आपका भाई कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाले, अपने फेस को स्मूथ करना एंड व्हाइट करना एंड अपने बैकग्राउंड को हाई क्वालिटी में ब्लर करना आप लोग देख लीजिए। एंड एक और भी सिखाएंगे अपने बैकग्राउंड को अलग अलग कलर टोन में आप कैसे चेंज कर सकते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। एंड देख लीजिए यहाँ पे इसका नॉर्मल वाला फोटो है, देख लीजिए कितना बेकार सा लग रहा है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एंड मैंने इसी वाले फोटो को देख लीजिए, यहाँ पर एडिट किए हैं एंड यहाँ पर एडिट किए हैं, तो कितना हाई लेवल में फोटो बनाए। तो अगर आपको भी कुछ स्टेप से अपने फोटो को बनाना है बहुत ही कम टाइम में, तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देते हैं तो 110% कुछ स्टेप क्रिएटिंग बहुत ही कम टाइम में सीख जाएंगे। एंड गाइस, इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी फोटो से वीडियो करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। एंड हम लोग वीडियो को शुरू एंड करते हैं स्टार्ट गाइस। तो सबसे फर्स्ट आएंगे नॉर्मल वाले फोटो पे, तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो बहुत ही कम टाइम में सीख जाएंगे। एंड सबसे फर्स्ट अपने फोटो को शेयर कर लीजिएगा आप लोग स्नैपशीट ऐप के अंदर। तो मैं फिलहाल अभी आ चुका हूँ, आने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही कम टाइम में सिखाएंगे। सेलेक्टोप पे आएंगे, सेलेक्टोप पे मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अपने फेस पे कुछ स्टेप्स रखेंगे यहाँ पे एंड ब्राइटनेस को प्लस करेंगे। ब्राइटनेस को भी मैं प्लस कर लेता हूँ, मतलब 53 के करीब एंड डन कर देंगे। फिर से टूल्स पे आएंगे, सेलेक्टोप पे आएंगे एंड यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे एंड फिर से ब्राइटनेस को प्लस करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से प्लस करेंगे 55 के करीब एंड डन कर देंगे। फिर से आएंगे, फिर से सेलेक्टोप आएंगे, इस तरीके से सेम करके अपने मतलब यहाँ से व्हाइट कर लीजिएगा ब्लैक पार्ट को, ठीक है। तो इसको पूरा मैं 100 कर लेता हूँ, 100 से कुछ कम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से 68 क्लिक करके एंड कट कर लेता हूँ। फिर से आएंगे टूल्स पे एंड सेलेक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत ही इजी है, आप लोग देख लीजिए एंड ब्राइटनेस को प्लस करेंगे एंड डन कर देंगे। तो आप खुद देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइस, फोटो को आप शेयर करेंगे यहाँ से सीधा जो है ना लाइटरूम ऐप के अंदर। तो लाइटरूम ऐप के अंदर भी बहुत ही इजी स्टेप में आपको सिखाएंगे बहुत ही हाई लेवल में अपने फोटो को एडिट करना। तो सबसे फर्स्ट तो आपको लाइटरूम ऐप के अंदर इस फोटो को लेकर चले जाना होगा। तो मैं अभी फिलहाल चला गया हूँ एंड देख लीजिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देगा आपको लाइटरूम का, जस्ट आपका फोटो अपलोड होगा तो, ठीक है, आप सीधा लाइटरूम के अंदर पहुँच भी जा सकते हैं एंड यहाँ से नोटिफिकेशन पे क्लिक करके पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों तरीके से पहुँच जाएंगे, सीधा एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से पहुँच भी जा सकते हैं। आपको ऑल फोटो सॉल्यूशन पे आना होगा, ऊपर सबसे मिलेगा, ठीक है। अभी देख लीजिए फोटो मेरा यहाँ पे शो करा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने फोटो पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको बारीकी से थोड़ा सा समझना होगा तभी आप अपने फोटो को मेरी तरह एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन पे आना होगा। इसी एप्लीकेशन के अंदर आप ध्यान देंगे तो अपने फोटो को मेरी तरह रिटच कर पाएंगे, तभी आप अपने फोटो को मेरी तरह बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको मिक्स पे आना होगा, मिक्स वाले ऑप्शन पे आना, क्योंकि आपको यहाँ से टू नंबर वाले टून पे आना होगा। यहाँ पे आइएगा एंड इसके सेक्शन में माइनस कर लीजिएगा। मैं अभी क्या करता हूँ, 65 के करीब माइनस करते हैं, 65 से कुछ कम कर लेते हैं, 54 के करीब करते हैं, लेमिनस को प्लस कर लेते हैं 100 के करीब। तो देख लीजिए 100 से कुछ कम कर लेते हैं, मैं अभी यहाँ से 69 के करीब कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, यहाँ पे अब आ जाइएगा, ठीक है। इस वाले टून पे आइएगा एंड इसका सिचुएशन माइनस एंड ह्यू को प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से कीजिएगा। एंड आपको इस वाले टून पे आना होगा, ठीक है। मैं अभी इस वाले टून पे आता हूँ एंड इसका मतलब ह्यू को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ह्यू को केवल प्लस करते हैं, तो देख लीजिए बैकग्राउंड का जो कलर है कितना हाई लेवल में बन चुका है। एंड आपको अब इस वाले टून पे आना होगा, तो इसको क्या कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। इसका ह्यू माइनस कर लीजिएगा एंड इसका सिचुएशन प्लस कर लीजिएगा। अभी इस पर आइएगा, सेम प्रोसेस आप कर लीजिएगा, ह्यू को माइनस एंड सिचुएशन को प्लस। तो देख लीजिए शॉर्ट का जो कलर है कितना हाई लेवल में बनाए आप लोग देख लीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। देख लीजिए शॉर्ट का कलर कितना हाई लेवल में बनाया, ठीक है। एंड आपको इतना काम करने के बाद आपको वन नंबर टून पे आना होगा रेड पे, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए क्वालिटी क्या होता है, अगर इसको प्लस करते हैं तो लिप्स का कलर जो है ना बहुत ज़्यादा रेड हो जा रहा है, इसको माइनस करते हैं तो फीका हो जा रहा है। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, अब इतना काम कर लेंगे एंड अब अपने फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे। कहाँ पे? तो स्केचबुक ऐप के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सब कुछ बारीकी से समझेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही कम टाइम में सीखेंगे। एक बार यहाँ पे टैप करेंगे, एक बार यहाँ पे करेंगे, फोटो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, अपने फेस को स्मूथ कर लेना होगा, जिस तरीके से भी मैं आपको करके बताऊंगा उसी तरीके से आप कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको आना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे, मैं भी आ जाता हूँ। एंड गाइस क्या करना होगा, आपको सबसे फर्स्ट स्मज वाला ऑप्शन देखना होगा एंड आपको यहाँ पे ए वाला ब्रश मिल जाएगा, तो इस ब्रश को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। मैं पहले से किया हूँ, मैं ये मतलब गाइस मेरा पूरा रियल राज है, ठीक है। एंड मैं सेटिंग पे आता हूँ, मैं सेटिंग पे आ जाता हूँ एंड सेटिंग पे आने के बाद क्या करेंगे, आपको सब कुछ रियल बताएंगे। फॉलो को, फॉर स्टेन को, फॉर स्टोन को मेरे तरह कर लीजिएगा एंड इसका जो साइज है ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा एंड हम लोग कट कर देंगे। एंड कट करने के बाद क्या करेंगे, अपने फोटो को जूम करेंगे एंड हम अपने मतलब फेस पे कुछ स्टेप से ब्रश को अप्लाई करेंगे, तो जो फेस होगा ना बहुत ही हाई लेवल में स्मूथ हो जाएगा। गाइस आप लोग देख लीजिए बहुत ही कम टाइम एंड बहुत ही हाई लेवल में आप स्मूथ कर पाएंगे, आप लोग देख लीजिए, ठीक है।
तो बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल में मेरा फेस जो है ना स्मूथ हो रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिए। तो गाइस लोग हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे फेस का रिजल्ट देख सकते हैं, जो फेस है ना कितना हाई लेवल में इल्ट हुआ है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इतना काम आपको कर देना होगा। एंड गाइस यहाँ से हम अपने फोटो को आप सिंपली शेयर करेंगे, आपको टूलविच ऐप के अंदर शेयर करके बताएंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में अब आपको वहाँ पे बताएंगे कि आप हेयर पे वाइल पेंट को कैसे कर सकते। तो टूलविच ऐप के अंदर सबसे फर्स्ट तो आपको आ जाना होगा। मैं अभी आ जाता हूँ, इधर की तरफ थोड़ा सा आएंगे इंडिया, हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एक बार, ठीक है। एक बार क्लिक करना होगा एंड सॉफ्ट स्मज पर एक बार क्लिक करना होगा एंड नंबर को सेलेक्ट करूंगा, आपका मर्जी। अगर इसको आप जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा ऑयल पेंट होता है, ठीक है। तो मैं 3 नंबर को कर लेता हूं एंड आप लोग मार्क्स पे आएंगे, ठीक है। मार्क्स में आ जाता हूं, जो इरेजर का ऑप्शन है पहले से सेलेक्ट करना, नहीं होगा तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। एंड गाइस आपका भाई ना बहुत ही इजी स्टेप में अपने आंख पर केवल वाइल पेंट इरेज करना सिखा रहा है, आप लोग देख लीजिए बहुत ही हाई लेवल में। तो इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं, डन कर लेंगे। एंड गाइस डन कर लिए हैं तो आप लोग देख लीजिए हेयर पे कितना वेस्ट वाइल पेंट हो चुका है एंड कितना हाई लेवल में फोटो लग रहा है, ठीक है। एंड अब अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी सेव कर लेता हूँ। अब फोटो को सेव करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मोबाइल डाटा को ऑन करेंगे एंड यहाँ से अपने फोटो को ओपन कर लेंगे फोटो रूम ऐप के अंदर। तो सिंपली गाइस फोटो रूम ऐप के अंदर हम लोग चले जाएंगे अब एंड यहाँ पे जितना जल्दी आपका नेट चलेगा उतना जल्दी आपका फोटो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। एंड गाइस आप लोग देख लीजिए कि जो फोटो था कट हो चुका है एंड अब कट होने के बाद आपको क्या क्या सेटिंग है ना सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अब आपको बैकग्राउंड को हाई लेवल में ब्लर करना सीखेंगे पूरा फुल HD के साथ। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखना होगा फोटो एडिटिंग क्लासेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। एंड बीच में देख लीजिए इसका बैकग्राउंड भी ब्लर है एंड इसका आप लोग देखने में यहाँ पे लग रहा है एंड नीचे ब्लर भी लिखा हुआ है। तो आपको बीच वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा, मैं अभी क्लिक कर दिया हूँ। तो देख लीजिए फोटो कुछ स्टेप से बना है एंड हम लोग नीचे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा तो ब्लर वाले ऑप्शन को एक बार माइनस एंड प्लस करते हैं। तो जो 25 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है देख लीजिए, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे देख लीजिए 25 है, तो इसको हम पूरा 40 कर देंगे। तो हाई लेवल में बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो हट जा रहा है, इसको 40 करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो जा रहा है। एंड अब फोटो को डन करते हैं, अब मोबाइल डाटा को ऑफ करते हैं एंड ऑफ करने के बाद यहाँ से हम अपने फोटो को सिंपली शेयर कर लेते हैं। आपको यहाँ से अपने फोटो को सिंपली आप लोग शेयर कर लीजिएगा, फोटो शेयर भी हो जाता है एंड सेव भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग शेयर कर लेंगे पिकैड ऐप के अंदर। तो आपको बहुत ही बारीकी से आप जो भी चीज़ बताएंगे बहुत ही हाई लेवल में बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस वाली वीडियो को आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं ना तो आपको कभी भी जिंदगी में वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसी वाली वीडियो में अलाउ करने के, ठीक है। अब फोटो आ चुका है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप खुद की फोटो रूम का वाटरमार्क है तो इसको रिमूव कर लेंगे ना तो बहुत ही हाई लेवल में हो जाएगा। तो ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे, ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे और जिस फोटो को आप वाइल्ड पेंट किए थे, मान लीजिए मैं जिस फोटो को वाइल्ड पेंट किया हूँ, ठीक है, उस वाले फोटो को मैं फिलहाल अभी ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख लीजिए मेरा फोटो जो है ना, हम लोग इस वाले फोटो को सिंपली ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले फोटो को ओपन करते हैं एंड यहाँ से हम लोग इसको पूरा बड़ा कर लेते हैं एंड ऊपर इरेजर पे क्लिक कर देंगे। ऊपर गई हम लोग इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड इनवाइट कर देंगे, ठीक है। इसी वाले फोटो को एडिट किए थे ना तो वाटरमार्क आप इस तरीके से भी कर पाएंगे, ठीक है। एंड वाइल्ड पेंट किए थे जो जिस फोटो को ना वो फोटो नहीं शो करा था इसीलिए इस फोटो को लिया है, ठीक है, एंड डन कर देंगे। एंड गई मैं अभी डन कर लेता हूँ। अब आपको करने के होगा फिर से एड फोटो ऑप्शन पर आना होगा एंड ऊपर रिसेंट पर क्लिक कर देना होगा एंड आपको गूगल फोटोज पर आना होगा एंड ऑल फोटोज पर क्लिक करके एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ से एक स्माइल PNG को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी स्टेप में आपको बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। स्माइल PNG को ऐड करेंगे, स्माइल PNG को यहाँ पे रख देंगे एंड कुछ स्टेप्स रखेंगे एंड इसको ब्लैक हटाने के लिए हम आपको बताते हैं ब्लेंड पे आना होगा। ब्लेंड पे मैं आता हूँ एंड स्क्रीन कर दूंगा तो हट जाएगा। तो देख लीजिए कुछ स्टेप से हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा भी एंड छोटा करके रख लेंगे इस तरीके से एंड डन कर देंगे। अब आपको फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आना होगा। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद रिसेंट पे क्लिक करके गूगल फोटोज पे आएंगे एंड ऊपर ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड फिर से डाउनलोड पे आएंगे। अब डाउनलोड पे आने के बाद क्या करेंगे,
एक हम लोग PNG को ऐड करेंगे। सब PNG का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जाकर डाउनलोड करके यूज करके अपने फोटो को बवाल तरीके से बनाइए, ठीक है। एंड आपको करना क्या होगा, ब्लेंड एंड स्क्रीन सेम कर देना होगा। एंड सेम करने के बाद आपको करना क्या होगा, ऊपर इरेजर पे क्लिक कर दूंगा, मैं भी ऊपर इरेजर पे क्लिक करता हूँ। एंड एक जो गलत पार्ट है इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि मेरा गलत पार्ट है अपने फेस पे, एंड जहाँ पे भी आपको लगे कि मेरा गलत पार्ट है उसको आप लोग इजी स्टेप में इरेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल जैसे कर लिया हूँ। तो गाइस आप लोग देख लीजिए फोटो कितना हाई लेवल में बन चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो मैं फिर से मिलता हूँ कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।